कार में प्रभारी होने के नाते आप लोगों को यह आश्वस्त भी करता हूं, भिवानी जिले में कि अगर दो दिन में प्रशासन ने आपके लेकर आज बीमार हुए अन्य संगठन नहीं लिया, रोष प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक तो यहां सड़कों पर आदमियों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जरूरत पड़ी तो भाई चंद्रशेखर आजाद भी भिवानी आएंगे, उस दिन ये प्रशासन सोच लेगा कि किस बिल में घुसना है। तो ज्यादा भी बात में हम आज एसपी महोदय नए आए हैं, उनका मैसेज आया है कि हम आराम से बैठ के जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष को सुनेंगे और साथ में दो तीन जो सामाजिक संगठनों के साथी हैं वो जाएंगे। तो मैं इस बात से सहमत भी हूं क्योंकि यहां खुल के पूरी बात नहीं हो पाएगी। हम बैठ के उनको सारे एक एक एप्लीकेशन के बारे में उनको पूरा बताएंगे और दो दिन का अल्टीमेटम है, इसके बाद कोई समझौता नहीं होगा, जो होगा वो सड़कों के ऊपर होगा। आज हम पक्ष में नहीं आए टेबल पे बात करने के, लेकिन एसपी साहब नए आए हैं इसलिए हम मानते हैं कि एक बार में कोई कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम दो दिन का समय देने के लिए उनसे मंत्रणा करने के लिए बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तब तक आप लोग यही बैठे, हम वो क्या आश्वासन देते हैं आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद आगे की जो रणनीति है उसको भी हमें आप लोगों से डिस्कस करके बताएंगे। और मैडम सुनीता जी ने जो ये मामले उठाए हैं ये धन्यवाद की पात्र हैं कि ऐसे मामलों को समाज के सामने लाए हैं, वरना पता नहीं कितने मामले ऐसे हैं जो बेचारे फाइलों में दबे दम तोड़ जाते हैं। तो ऐसे वकील साथियों को आना चाहिए आगे, और वकील साथियों का मैं आह्वान करता हूं कि वो आए और बाबा साहब ने जो आपको शिक्षा का हथियार दिया है, आपको जो कानून की पढ़ाई मिली है, उस कानून को समाज के हित में लगाएं। तो एक बार पुनः प्रशासन को चेतावनी कि सोमवार तक का प्रशासन को समय है, अगर सोमवार तक प्रशासन ने अपनी ठोस कार्रवाई नहीं की है तो हम खुले शब्दों में बता देना चाहते हैं कि ये समाज फिर बात करने की बजाय याचना नहीं अब ऋण होगा, बात करने की बजाय हम सड़कों पे बैठ जाएंगे, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि हम इतने लोग की खाल लिए नहीं बैठे कि पिटते रहे। इससे ज्यादा और अन्याय क्या होगा, हमारी महिलाएं गायब है, हमारे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, इससे फालतू और क्या जाती है पुलिस और प्रशासन।